प्रेम सुपरफास्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में मचे बवाल की। बंगाल में भड़के हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है और पहले हावड़ा में उपद्रव हुआ और अब हुगली अशांत है। हुगली में कल बीजेपी नेता दिलीप घोष की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हो गए। रिसडा इलाके में उपद्रव के बाद से धारा 144 से इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद है। फिलहाल हालात काबू में है। बीजेपी इस हमले का आरोप एक खास समुदाय पर लगा रही है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में हुगली के रिसडा इलाके की है। बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान रिसडा में एक धार्मिक स्थल के पास अचानक पथराव होने लगा। आरोपों के मुताबिक दो समुदायों के बीच हुई झड़प में बम से भी हमला किया गया। बीजेपी के मुताबिक इस हमले में विधायक विमान घोष गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके सिर में चोट लगी है। इस शोभा यात्रा की अगुवाई बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष कर रहे थे। उनके मुताबिक पथराव में वो बाल बाल बचे। मस्जिद के पास से पथराव शुरू हुई, पूरा मोहल्ला से पथराव आने लगा, गली गली से काफी लोग और उसमें घायल हुए, सर फूटा, लहूलुहान हुए। मैं था, हमारे चारों तरफ पत्थर गिर रहे थे। हम मेरे साथ साथी एक विमान घोष करके हमारे एमएलए थे हुगली के, उनको चट लगी सर पे, सर फूटा, उनका सिलाई हो रही है हॉस्पिटल। इस्लाम हिंसा के बाद 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संवेदनशील इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। कुछ हिस्से में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद है। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। हुगली में हिंसा के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार आज रिसडा पहुंच सकते हैं, जबकि ममता बैनर्जी दोपहर 1 बजे पूर्वी मिदनापुर के खेजूरी में एक प्रशासनिक बैठक करेंगी। आज तक ब्यूरो। हुगली में भड़के हिंसा के बाद से टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं और बीजेपी से टीएमसी के तुष्टीकरण और तानाशाही वाली मानसिकता बता रहे, तो टीएमसी का इस हिंसा से बीजेपी की सुनियोजित साजिश का इसे हिस्सा बता रही है। हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा पर हमले के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। टीएमसी इस उपद्रव को लेकर बीजेपी पर ही पलटवार कर रही है। टीएमसी सांसद शशि पांजा के मुताबिक ये यात्रा बीजेपी की ध्रुवीकरण की प्लानिंग का हिस्सा थी और अशांति फैलाना बीजेपी की मंशा थी। पार्टी भी हमारा ये मानता है कि दिलीप घोष ये हमेशा इसको प्री प्लान्ड है, इनका उनका प्लानिंग ही ऐसा होता है कि रैली निकालेंगे और हलचल मचाएंगे और अशांति करेंगे। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी ये देख रही है कि दिलीप घोष और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार में ज्यादा हंगामा कौन करा सकता है, जबकि बीजेपी के मुताबिक रिसडा हिंसा में उपद्रवियों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पथराव के दौरान उन्हें भी निशाना बनाया गया और ये सब टीएमसी की शह पर हुआ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हमले टीएमसी की तानाशाही और तुष्टीकरण की मानसिकता की वजह से हो रहे हैं। पहले हावड़ा में रामनवमी पर हिंसा की गई, बाद में पूर्वी बर्धमान में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई और अब हुगली में उपद्रव हुआ। कि किस प्रकार से शोभा यात्रा पर एक सुनियोजित ढंग से फिर से हमला किया गया है, महिलाओं पर बच्चों पर भी पथराव किया गया है, पुलिस और प्रशासन क्या करता रहा, ये कहीं ना कहीं टीएमसी मानसिकता यानी तानाशाही मानसिकता और कल्चर और तुष्टिकरण मानसिकता और कल्चर के चलते ही इस प्रकार के हमले लगातार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हुगली हिंसा की निंदा की और कहा ऐसी अराजकता लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की एनआईए जांच और संसद में इस पर बहस की मांग की है। आज तक ब्यूरो।
बिहार में रामनवमी के दौरान भड़के हिंसा के बाद से कई जगहों पर हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और केंद्र सरकार भी बिहार में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर रही है और इसी बीच में उपद्रवियों की धरपकड़ भी जारी है। बिहार में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा के बाद कुछ जगहों पर हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। रोहतास में हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। रोहतास में सभी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा भी 4 अप्रैल तक बंद है। हिंसा के केस में अब तक राज्य भर में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। सीएम नीतीश के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। सेंट्रल आर्म फोर्सेस की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की टीमों को बिहार भेजा गया है। साथ ही उपद्रवियों से निपटने के लिए घुड़सवार दस्ते को भी तैनात किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक के बाद हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। डीजीपी कानून व्यवस्था आरिस भट्टी ने कहा कि किसी भी असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को बंद करने का। पुलिस इस हिंसा को लेकर बिहार में शांति भंग करने की साजिश बता रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस साजिश को नाकाम करना किसकी जिम्मेदारी थी? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश सरकार को अब कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है। आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। बिहार में भड़के हिंसा के बीच में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल नवादा में एक रैली की। कहा 2025 में बीजेपी सत्ता में आई तो दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। और शाह जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देश की जनता ने तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना तय किया है। प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। के हवाले की जा रही है उनको मानहानि केस में सजा के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी आज सूरत सेशंस कोर्ट याचिका दाखिल करेंगे। मोदी सरने वाले बयान से जुड़े विवाद में सूरत कोर्ट ने ही 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अब 11 दिन के बाद इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी अपील करने का उन्होंने मन बनाया है और कांग्रेस ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ आज सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इस मामले में 11 दिन बाद राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। मोदी सर ने मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था और अब राहुल ने फैसले के खिलाफ अपील का मन बनाया है। कांग्रेस ने इसके लिए आज बड़ी तैयारी की है। 3 बजे राहुल गांधी अपील के लिए सूरत सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस दौरान राहुल के साथ मौजूद रहेंगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी भी राहुल के साथ सूरत में मौजूद रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
सूरत सेशंस कोर्ट में आज राहुल गांधी की अपील के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। शहजाद पूनावाला ने इसे देर आए दुरुस्त आए वाला फैसला करार दिया और साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने जिस समाज का अपमान किया है उससे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, पर कम से कम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस न्याय प्रणाली के खिलाफ काले कपड़े पहनकर काली मंशा के साथ दुराग्रह कर रही थी सत्याग्रह के नाम पर, अब कम से कम उन्होंने माना है कि न्याय प्रणाली जो है वो नैतिकता और ईमानदारी से काम कर रही है। ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने, उनको तो देश के ओबीसी समाज के सामने क्षमा याचिका लगानी चाहिए। आज फिर से संसद का बजट सत्र शुरू होगा, सदन में आज भी हंगामे के आसार है। अदानी मुद्दे पर विपक्ष अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, साथ ही राहुल के लोकसभा सदस्य दर्द होने, विपक्षी नेताओं के बोलने पर पाबंदी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मन बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10 बजे संसद के भीतर ही विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है और सुबह 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। संसद के दोनों ही सदनों में आज कांग्रेसी सांसद विरोध के तौर पर फिर से काले कपड़ों में नजर आ सकते हैं, जबकि महिला कांग्रेस आज जंतर मंतर पर जनतंत्र बचाओ रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की किरकिरी हुई है। मशाल रैली के दौरान अचानक मंच ढह गया और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के साथ दिग्गज नेता भर भराकर मंच से नीचे गिर गए। दरअसल ये प्रदर्शन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में किया जा रहा था, लेकिन मंच पर क्षमता से ज्यादा ही भीड़ चढ़ गई और इसकी वजह से मंच चरमराकर गिर गया और मंचासीन नेतागण नीचे गिर गया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी मोर्चा खोला हुआ और इस दौरान बीती रात जबलपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मशाल हाथों में लेकर सड़कों पर उतर आए और राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री मोदी आज सीबीआई की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में इस समारोह का आयोजन किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विशिष्ट सेवा के लिए कुछ पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नव निर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का इस मौके पर एजेंसी का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च करेंगे, साथ ही डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी होगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने एक बार फिर से बीआरएस सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया और संजय कुमार के मुताबिक हैदराबाद में रमजान के दौरान नाइट लाइफ पर कोई नियम लागू नहीं होता, तो इस दौरान ना तो ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग होती है, न ही यहां पर ट्रिपल राइडिंग पर किसी तरह की कोई पाबंदी रहती है और रात भर दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन जबकि दशहरे के मौके पर ऐसा नहीं होता है। बंदी संजय कुमार के मुताबिक हिंदू त्योहारों के दौरान रात में दुकानें खुली रखने का कई बार तेलंगाना सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन इस पर अमल कभी नहीं हुआ। इंदौर में चोर मारुति शोरूम से 12 लाख कैश लेकर उड़ गए और 5-5 गार्ड उनको इसकी भनक तकने लगे, लेकिन चोरी की वारदात सीसीटीवी में जरूर कैद हो गई है। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। दरअसल बताया जा रहा है कि कार के शोरूम में जिस वक्त चोरी को अंजाम दिया गया था उस वक्त सुरक्षा गार्ड लूडो खेलने में व्यस्त थे। सिलीगुड़ी में एक बेजुबान के साथ एक शख्स ने दरिंदगी कर दी। सोते हुए कुत्ते को एक शख्स ने डंडे से पीट पीट कर मार डाला। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसके बाद अब सिलीगुड़ी में घमासान चढ़ा हुआ है। आरोपी के खिलाफ पेट लवर्स ने मोर्चा खोल दिया है। 65 साल के गिरफ्तार आरोपी को लोग सख्त सजा देने की मांग कर